स्वागत है दोस्तों। आज जो 17 तारीख को इवनिंग शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके आंसर की करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो और है, अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आंसर की। गंगा स्नान में कौन सा समास है? तो दोस्तों जो गंगा स्नान है उसमें कौन सा समास है? गंगा में समास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? बेइज्जत करना, यानी पगड़ी उछालना, किसी की पगड़ी उछालने का मतलब होता है उसकी बेइज्जती करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बेइज्जत करना। अगला क्वेश्चन है लड़का पुस्तक पढ़ता है वाक्य में पुस्तक पद क्या है? तो लड़का पुस्तक पढ़ता है उसमें है, ये है जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक है स्त्रीलिंग क्योंकि पुस्तक पद का पूछा है, एक वचन कर्मकारक और बढ़ता है क्रिया का कर्म है। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्मकारक बढ़ता है क्रिया का कर्म। अगला क्वेश्चन है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? जो उत्साह है वो किस रस का स्थायी भाव है? जो उत्साह है वो है वीर रस का स्थायी भाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरस का स्थायी भाव है उत्साह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयु शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो आयु के साथ कौन सा सही लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा चीर, क्योंकि इसके बाद हो जाएगा चिरायु। ओके, अगला है निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जो मीन है वो आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा मीन। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, आपको सही सुमेलित करना था, इनमें से मिलाना था। तो 87 कौन सा होगा? ये फिर हो गया 56, ठीक है, फिर हो गया 35, ये फिर हो गया 69, ये अब आप मिलान कर लीजिए आपका कौन कौन सा है वो ऑप्शन में आप देख लीजिए। ठीक है, अब अगला देखिए बहुशब्द का बहुवचन रूप बताइए। तो बहुशब्द का बहुवचन रूप होगा बहुए, ये वाला छोटा हुआ आएगा, इसमें बड़ा दिया हुआ लेकिन इसमें छोटा हो जाएगा बहुए। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा बहुए। अगला क्वेश्चन है जगत प्लस ईश जगदीश में कौन सी संधि है? जगत प्लस ईश जगदीश में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें है आपको बताना कौन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। तो इसमें है व्यंजन संधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है और दोनों में समानता पाई जाती है तो वह कौन सा अलंकार होगा? जब दोस्तों दो वस्तुओं में समानता की जाए तो उसमें उपमा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार सही आंसर हो जाएगा बी इसका। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? तो जो प्रतिक्रिया की है प्रतिक्रिया, ए ऑप्शन सही है प्रतिक्रिया। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत की डिजाइन किसने बनाया था? जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है उसकी इमारत का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? तो बनाया गया था ली काबूशियर। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ली वाला सही आंसर है, मिला लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? जो जूही चावला है वो हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? तो हरियाणा के अंबाला जिले से संबंधित है जूही चावला, हरियाणा के अंबाला जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यदि प्लस माइनस प्लस को गुणा घटा को भाग और गुणा को अर्थ, तो इसमें ये चेंज करने के बाद इसका सही आंसर हो जाएगा 43 आएगा, इनमें से कोई नहीं, जो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ये एनी बेसेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है -3x माइनस 4y प्लस 5 इजगल टू 0 और 6x माइनस 8y प्लस k इजगल टू 0, तो k का मान पूछा है, तो k का मान है वो हो जाएगा 10 आंसर इसका सही हो जाएगा 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन साहब BF, JN, RV, ZD और HL, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगला क्या आएगा ये पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा PT, ए इसका सही आंसर हो जाएगा PT। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड कौन से नगर को कहा जाता है? तो कहा जाता है कोडांगू यानी कुर्ग को। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कोडांगू या कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। निम्नलिखित में से उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो उच्च अभिक्रियाशील धातु है जिंक यानी जस्ता, तो जस्ता इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जस्ता जो धातु है वो है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक समानांतर श्रेणी बनाया जाएगा? दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा डी, 7+7+2, 7+2√2, ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यदि 21 जुलाई को शनिवार था तो 4 जुलाई को क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुधवार, बुधवार इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 जुलाई को बुधवार था। अंडमान निकोबार द्वारा पृथक, किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो कौन सा चैनल है जिसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो वह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान निकोबार पृथक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी विहार खालिस्तान में स्थित है? तो दोस्तों जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो अपने गुरुग्राम जिले में स्थित है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, यदि आईसीई 17 है तो टी को क्या बोला जाएगा? आई 17 है तो टी का क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो टी का हो जाएगा 26, इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा 26। अल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा हुआ है? तो अल्बर्ट बिल विवाद के साथ लॉर्ड रिपन जुड़ा हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तीनों विकल्पों में से भिन्न शब्द कौन सा है? तो जो भिन्न शब्द है रामायण, महाभारत और पंचतंत्र हैं, ये सारे अपने महापुराण है, तो ये उपनिषद इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डी सबसे अलग डी हो जाएगा। यदि पी ई बराबर 0.73 है तो ई की कौन सी प्रायिकता क्या होगी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 0.27, जो बी ऑप्शन में है 0.27, एक में से घटा लेंगे तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि -3 बहुपदीय fxx2x² - a+1x+4a का एक मान है, तो एक शून्य है तो a का मान बताइए, तो इसमें a का मान पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा a का मान हो जाएगा -3, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आंदोलन ने गांधी जी को एक सच्चा नेता बना दिया था? तो गांधी जी ने काफ़ी सत्याग्रह किए थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के बाद उनको एक सच्चा नेता बन गया था, उनको एक अच्छी पहचान मिल गई थी, तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों में राजनीति की अपराधिकरण पर एक बहस के मध्य अनैतिक राजनीतिक कार्य को रोकने के लिए कर्तव्यच्युत कानून के कौन से माध्यम लगाया गया था? तो कौन से संविधान संशोधन किया गया था? तो इसके तहत 52वां संविधान संशोधन किया गया था। दोस्तों कल एग्जाम में उनके लिए पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, ये 1985 में किया गया था, ठीक है, 1985 में 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन शायद था, समीकरण 4√5x² + 3x - 2√5 = 0, इसके हल क्या होंगे? तो इसके हल होंगे -2/5 और 5/4, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, -2/√5 और 5/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य नर बाध्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है कि ये कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों सही हैं। कोशिका द्रव्य नर बाध्यता पादपों में पूर्ण या आंशिक नर बाध्यता है, और यह परिग्रंठा का पादप जनन में व्यापक अनुप्रयोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व बी, दोनों सही, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगर मस्तिष्क खालिस्तान के लिए विशेषज्ञ है, जो अगर मस्तिष्क है वो किसके लिए विशेषज्ञ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रांड, यानी स्मेल के लिए, इंग्लिश में इसका मतलब है स्मेल के लिए, ठीक है, अगर मस्तिष्क होता है स्मेल के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साहब, एशियन गेम 2018 में पुरस्कार के लिए किसने सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी नामित किया गया था? यानी किसको मूल्यवान खिलाड़ी नामित किया गया था? तो उसका नाम था जो ये है रिकोको इक्की था, उसको सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया था एशियन खेल 2018 में। अगला क्वेश्चन है, उस द्रव का नाम बताइए जो रक्त में समान परंतु रंगहीन और उसमें प्रोटीन कम होता है, तो वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लसीका, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा लसीका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी को दोदा बेटा चोटी स्थित है? तो दोदा बेटा की चोटी है वो कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने मॉर्निंग की शिफ्ट वाली आंसर की नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों एक सेकंड रुको, अगर आप हरियाणा पुलिस और हरियाणा SI की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इन दोनों की अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कर दें, और दोस्तों मैंने पूरी स्टीक क्वेश्चंस करने की कोशिश की है, 100% सही करने की कोशिश किया है, फिर भी कोई गलती हो जाती है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं और मैं उसको अपडेट कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।
और दोस्तों जिनका कल का एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से एसएससी रेलवे जॉब की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।